आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं रोहित आप सभी के साथ। और देखिए आप सभी के सामने मैंने एक जगह निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट देखिए गैप के साथ तो ओपन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखिए मार्केट में सेलिंग आपको दिखाई दे रही है ऊपर के लेवल से, जो कि आपका 39,400 का लेवल है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है जिसके बारे में मैंने बात भी किया था। देखिए इसमें मैंने एक पैटर्न आपको बनाते हुए दिखाई दिया था। मैंने आपसे बोला था कि इस टाइप का देखिए पैटर्न एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो मार्केट में आपको एक सेलिंग देखने को मिलती है। अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में इसी टाइप का देखिए पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा था और मार्केट देखिए इस जगह काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए ऊपर की साइड अगर अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए मार्केट में हुआ क्या था कि 25 और 26 तारीख को देखिए मार्केट इस जगह गैप के साथ ओपन हुआ, लेकिन गैप के साथ ओपन होने के बाद भी देखिए ऊपर की साइड पीई बाइंग करने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस जगह देखने को मिल रही थी। और मार्केट ने देखे नीचे की साइड जो लो मारा है ना, वो नीचे की साइड अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो कहीं ना कहीं देखे मार्केट में एक नीचे की साइड सपोर्ट दिखाई दे रहा था जो कि 38,900 का था। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो एक आपको पैनिक देखने को मिलता है, यानी मार्केट इस जगह और पैनिक इस जगह दिखा सकता है। देखिए ऐसा ही मैंने कुछ वीडियो मैंने आपके लिए पब्लिश किया था जिसमें मैंने आपसे बोला था कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, मार्केट में सेलिंग आ सकती है, 1,000 पॉइंटों की गिरावट आ सकती है, 1,500 पॉइंटों की गिरावट आ सकती है, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया था। होता क्या है कि जब मार्केट में कुछ हो जाता है या मार्केट एक सेलिंग दे देता है उसके बाद ही देखिए हम चीज़ों को समझना चालू करते हैं। लेकिन अगर देखिए जब मार्केट कंटिन्यू तेजी में था, मार्केट कंटिन्यू तेजी दिखा रहा था, मैंने उसी टाइम आपको बोला था कि इस तेजी को आपको आंख बंद करके प्ले नहीं करना है। ठीक है, तेजी आ रहा है, अच्छी बात है, तेजी में कंटिन्यू रहिए, लेकिन मार्केट अगर ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस बना चुका है और मार्केट में दिखाई दे रहा है कि कंटिन्यू सेलिंग आ रही है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। मार्केट एक जगह देखिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि 39,400 का रेजिस्टेंस था। मार्केट ने अच्छा खासा इसको रेजिस्टेंस लिया। 2 दिन से देखिए मार्केट एक ही बॉक्स में देखिए एक जगह काम करते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर 39,400 आप लीजिए, नीचे की साइड देखिए 38,900 आप लीजिए, यानी आपकी जो 500 पॉइंटों की इस जगह रेंज बनते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए कुछ कॉल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पब्लिश किए थे जिसमें देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को मिला। तो टेलीग्राम अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको या कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो लिंक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। मार्केट अगर देखिए इस जगह 38,900 के नीचे जाता है तो हम इसके नीचे भी पीई बाइंग करके चल सकते हैं, यानी हम इसके नीचे भी पीई बाइंग करके चल सकते हैं। अगर मार्केट देखे इसके नीचे रेड कलर की एक कैंडल बनाता है, रेड कलर की कैसी कैंडल, यानी बेरिश कैंडल बनाता है। देखिए जब बेरिश कैंडल अगर इसके नीचे बन जाती है, ओपनिंग आपके ऊपर की साइड दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोजिंग आपका इस प्राइस के नीचे देना चाहिए, तो हम इसमें पीई बाइंग करके चल सकते हैं। फिर चलिए बात करते हैं कि कैसे जाना चाहिए। देखिए मार्केट क्या करेगा, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और फिर नीचे की साइड अगर निकल जाता है तो हम इसमें पीई बाइंग करके चल सकते हैं। और अगर मार्केट पहले से भी नीचे की साइड ओपन होता है, यानी अगर मार्केट पहले से भी नीचे ओपन होता है तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए इसका अपन टारगेट समझते हैं कि अगर मार्केट 38,900 के नीचे जाता है तो हमको क्या टारगेट देखने को मिलेगा। तो पहले टारगेट की तो देखिए हम बात कर 38,800 का हमारा पहला टारगेट इस जगह देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की बात कर तो 48,690 का हमको देखने को मिलेगा। और लास्ट टारगेट की बात करें तो 48,545 का आपको देखने को मिलेगा। यानी इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि अगर मार्केट आपका नीचे की साइड ओपन हो जाता है, मार्केट पहले से ही नीचे की साइड ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में कैसे काम करना चाहिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का लाइकों का टारगेट हम रखते हैं इस जगह 2,000 लाइकों का, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको भी पूरा करोगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, आपके मन में जो भी सवाल आता है मुझे कमेंट कीजिए। देखिए अगर हम सिंगापुर निफ्टी को देखते हैं तो इस जगह अगर आप सेलिंग देखोगे तो एक बड़ी गिरावट के संदेश आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि बड़ी गिरावट अगर आती भी है तो उस बड़ी गिरावट में आपको कहां पे सीई बाइंग करना चाहिए, कि कहां पे उसको पीई बाइंग करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कैसे लेना चाहिए। एक अच्छे ट्रेडर को क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको तो, कि मार्केट कहीं पर भी ओपन हो। तो इस जगह अगर आप देखोगे तो 17,444 का देखिए यहां पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है।
अगर चेंजिंग की बात करें तो 215 के पॉइंट के आसपास के नीचे गिरावट ओपन होगा, 1% पॉइंट 22 का देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि इतनी गिरावट के साथ आपको किस जगह क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। देखिए सबसे पहले तो मैंने आप सभी के सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया, काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑप्शन चेन, तो बिल्कुल देखा करो। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो अभी तो हमको सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। देखिए अगर आप देखोगे तो मार्केट की क्लोजिंग आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, मार्केट क्लोजिंग जो आपका दिया है बैंक निफ्टी वो 39,000 पे इस जगह दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्राइस आपकी क्लोजिंग की प्राइस दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पे आपकी क्लोजिंग मिली है, यानी ये एक साइकोलॉजी लेवल भी है। मार्केट में नीचे की साइड सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर हम नीचे सपोर्ट देखते हैं इसका तो कहीं ना कहीं हमको देखे 48,500 पे हमको इसका एक सपोर्ट दिखाई देता है, यानी मार्केट में अगर 500 पॉइंट अगर नीचे मार्केट जाता है तो इस प्राइस पे हमको पहला सपोर्ट दिखाई देता है। दूसरे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा सपोर्ट काफ़ी नीचे निकल के आता है जो कि 1,000 पॉइंट आपका नीचे दिखाई देता है। अब मुझे इतना नीचे तो नहीं दिखाई दे रहा, ये 1,000 पॉइंट तो मुझे नीचे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 500 पॉइंट अगर नीचे मिलता है तो यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा सीई बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट है। अब देखिए वैसे तो ऊपर की साइड ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर ऊपर की साइड ओपन होता है तो वहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट का जो अभी आपका जो ओपनिंग यानी आपका जो क्लोजिंग वाला प्राइस है 39,000 का, जो कहीं ना कहीं एक आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, काफ़ी सॉलिड रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 17 लाख के समथिंग का देखिए इस जगह आपको कॉल बेच के रखा है, ठीक है, तो ये आपका काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं देखे 39,200 का देखने को मिलता है, यानी अगर हम बात करें तो इन दोनों की रेंज में यानी 200 पॉइंटों की रेंज में एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट नीचे की साइड ओपन होता है तो नीचे की साइड ओपन होने के बाद आपको नीचे सपोर्ट मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं 48,500 पर सपोर्ट मिलेगा, और फिर आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो रेजिस्टेंस क्या होगा 39,000 का आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमने ऑप्शन चेन में देखा कि 38,500 का हमारा इस जगह सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इस सपोर्ट पर बाइंग नहीं करेंगे। देखिए इस सपोर्ट पर हम बाइंग नहीं करेंगे, हम थोड़ा और नीचे की साइड जाएंगे और हम बाइंग करेंगे कहीं ना कहीं 38,300 के आसपास, ठीक है। अब ऐसा क्योंकि हमने इस जगह 200 पॉइंट का और इस जगह डिस्काउंट कर दिया, वही पहले से इतना डिस्काउंट किया हमने और ज़्यादा कर दिया, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए मार्केट में हो क्या रहा है, आप जो देखिए जो पूरा जो एक आपका प्राइस है, ठीक है, मार्केट इस जगह ओपन है, इसने सपोर्ट लिया ऊपर निकल गया, फिर सपोर्ट लिया ऊपर निकल गया। अब की बात ये अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने लोगों के इस जगह SL हिट होंगे वो सेलिंग करेंगे, वो पैनिक सेलिंग करेंगे, ठीक है। पैनिक सेलिंग करने के बाद वो इस लेवल तक मार्केट को लेके आएंगे, मार्केट को इस लेवल तक लेके आएंगे, एक बाउंस बैक मिलेगा, फिर ये और नीचे निकल जाएगा, ठीक है। क्यों निकलेगा, क्योंकि इनके SL हिट हुए हैं, तो फिर हमारा जो सही प्राइस होगा वो प्राइस होगा कहीं ना कहीं इस जगह नीचे की साइड में, आपको बताना चाहूँगा 38,300 का सही प्राइस होगा, जिस प्राइस पे हम मार्केट में सीई बाइंग कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि हम कितना नीचे बाइंग करने की सोच रहे हैं, कम से कम मार्केट 700 पॉइंट अगर नीचे आता है तो 700 पॉइंट हम नीचे बाइंग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तो हमारा इस जगह SL छोटा हो जाएगा, और आपको पता है कि अगर आपको इस जगह कोई किसी भी तरीके का कॉल मिलता है, 200 रुपये पर कॉल मिलता है और आप नीचे की साइड बाइंग करते हो, उसमें 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आपको 180 रुपये का इस जगह स्टॉप लॉस लगाए। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक भी देता है तो काफ़ी तेज़ी से देगा, जिसमें आपकी जो प्राइस होगी वो 300 से लेके आपको 350 रुपये तक की प्राइस देखने को मिलेगी, यानी हमारा रिस्क कितना है, हमारा रिस्क कितना है, हमारा SL कितना है, 200 रुपये का SL है, लेकिन प्रॉफिट होने के चांस कितने हैं इसमें, 100 से लेके हमारा 150 पॉइंटों के प्रॉफिट होने के चांस है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा इस जगह, मैं आपको बताता हूँ कि 38,300 के समथिंग अगर मार्केट आता है, ये आपका एक सपोर्ट है, मार्केट नीचे की साइड आया, कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर की साइड निकल गया, यानी मार्केट इसके नीचे नहीं गया है, ये वाली प्राइस के नीचे नहीं गया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इस जगह सीई बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए हमारा इसमें टारगेट क्या होगा, तो टारगेट की हम बात कर लेते हैं। पहला टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो इस जगह देखिए 38,430 का देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो इस जगह देखिए 38,540 का देखने को मिलेगा। और लास्ट टारगेट की बात करें तो 38,600
50 का देखने को मिलेगा। यानी इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे की साइड आपको मिलता है तो। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लस अगर आपको हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए एंजल जड़ौदा अपस्टॉक एलएस ब्लू IIFL के साथ और ज्वाइन हो जाइए हमारे पेड ग्रुप में, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपडेट आप सभी को दिए जाते हैं, साथ ही साथ कॉल के स्टॉक के भी अपडेट आप सभी को दिए जाते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह 1 आवर्स का चार्ट ओपन किया है। देखिए एक ही चीज़ मैं इस जगह आप सभी को बताना चाहूँगा, पैसा आपका है, इम्पोर्टेंट पैसा है तो उसको बिल्कुल ध्यान से रखिए। देखिए मार्केट में अब काफ़ी लोग आपसे बोलेंगे कि मार्केट में हम बाइंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देखिए एक चीज़ आप समझिए, मार्केट में देखिए जब इस लेवल से आपको कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिली, मार्केट कंटिन्यू आपका ऊपर की साइड जा रहा था, ठीक है, इसने एक क्या किया, इस जगह देखिए हाई मारा, ठीक है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो 39,750 का हाई मारा था, ठीक है। हाई मारने के बाद मार्केट ने नीचे की साइड लो मारा, जो कि इस जगह आपको देखने को मिला, जो लो का प्राइस मैं आपको यहां पर लिखना भी चाहूँगा, जो कि आपका 38,070 का आपका ये लो का प्राइस था, ठीक है। फिर मार्केट अगर आप देखोगे तो ये इस जगह लोअर टू लो देखिए मारता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इस लो से अगर इस हाई से अगर आप देखोगे तो ये लो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो इस जगह देखिए 39,400 का आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखिए आपको नई तेजी जब ही करना चाहिए जब मार्केट इस जगह 39,400 के ऊपर निकलता है, वरना नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो लोअर टू लो आपको दिखाई दे रहे हैं, और प्लस इस जगह अगर आप देखोगे तो अभी तक मार्केट जिस लेवल को सपोर्ट कर रहा था, यानी जिसके रिस्पेक्ट कर रहा था, जो कि आपको दिखाई दे रहा था इस जगह 48,900 रुपये के, ये काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। तो मार्केट जब ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो फिर आपका मार्केट नीचे की साइड आपको दिखाई देगा। अगर आपको तेज़ी करना है तो तेज़ी हम कहाँ से करेंगे, जब आपका देखिए जो 39,400 के ऊपर जाएगा, यानी अपने हाई के ऊपर अगर ये निकलता है तो अपने हाई के ऊपर हम बाइंग करने के लिए तैयार हैं, यानी अपने हाई के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसके हाई के ऊपर बाइंग करने के लिए तैयार हैं, वरना हम नीचे की साइड बाइंग करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता के रखा है। अगर देखिए मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है, अगर बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है, बिल्कुल फ्लैट ओपन होने के बाद भी अगर ये अपने देखिए 48,900 को अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है तो इस लेवल पर हम पीई बाइंग करके चल सकते हैं, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता ही दूंगा। और देखिए पैनिक आता है ना तो उसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लीजिए, ऐसा नहीं कि भाई गिरावट आ गया है तो आप गिरावट में नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। अगर देखिए मार्केट इस जगह से ऊपर जा रहा था, इस जगह से ऊपर जा रहा था, तो आपको पता था कि भाई इस लेवल पर मुझे पीई बाइंग करना है। और जो मैंने वीडियो आपको देखिए अपने यूट्यूब चैनल पर बना के काफी बार मैंने आपको बताया कि सेलिंग आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकता है, बिल्कुल आप उसको फॉलो कीजिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज का लाइक का टारगेट मैंने आपको बता के रखा है कि 2000 लाइकों का टारगेट है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको भी पूरा करोगे। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।